बाड़मेर पुलिस लाइन में रेंज स्तरीय दो दिवसीय समारोह का आगाज सोमवार रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। कार्यक्रम में जोधपुर रेंज के आईजी जयनारायण शेर ने शिरकत की। कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को पुलिस लाइन मैदान में पुलिस अधिकारियों और जवानों की परेड सेरेमनी का आयोजन किया गया। आईजी ने परेड का निरीक्षण कर पुलिस जवानों की हौसला अफजाई की। इसके बाद आईजी जयनारायण ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 105 अधिकारियों और जवानों को सर्वोत्तम अति उत्तम उत्तम सेवा चिन्हों व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बाड़मेर पुलिस लाइन में रेंज स्तरीय दो दिवसीय समारोह का आगाज बीते रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ हुआ। प्रोग्राम में जोधपुर रेंज के आईजी जयनारायण शेर ने शिरकत की। मंगलवार को पुलिस लाइन मैदान में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सेरेमनी परेड का आयोजन किया। आईजी ने परेड मार्च का निरीक्षण कर पुलिस जवानों का हौसला अफजाई की। इसके बाद आईजी जयनारायण ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 105 अधिकारियों और जवानों को सर्वोत्तम अति उत्तम उत्तम सेवा चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दरअसल जोधपुर रेंज स्तरीय समारोह का आगाज बाड़मेर पुलिस लाइन में सोमवार शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। पुलिस लाइन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईजी जयनारायण रहे। बाड़मेर कलेक्टर लोकबंधु एसपी दिगंत आनंद सहित जिले भर के कई पुलिस अधिकारी सांस्कृतिक प्रोग्राम में मौजूद रहे। सोमवार शाम 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान राजस्थानी गानों पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर जिले के कई लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एक्सीडेंट केस में तत्काल मदद कर लोगों की जान बचाने वाले सक्रिय लोगों को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। डूंगरों का तलाक के हरेंद्र डूंगर को आईजी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा पुलिस के मुखबिर और अन्य घटनाओं में पुलिस का सहयोग करने वाले साथियों को सम्मानित किया गया। पुलिस लाइन में नवनिर्मित आरक्षी भवन एवं डिस्पेंसरी भवन का उद्घाटन मंगलवार को आईजी जयनारायण, जिला कलेक्टर लोकबंधु, एसपी दिगंत आनंद ने किया। इसके बाद रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें पुलिस के जवानों सहित अन्य सिविल लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान पुलिस लाइन में पुलिस फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसका पुलिस अधिकारियों ने अवलोकन किया। राजस्थान पुलिस दिवस समारोह का आयोजन किया गया है और उसके तहत कल पूरी रेंज के हिसाब से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें रेंज के सभी अधिकारीगण, पुलिस अधिकारीगण सम्मिलित हुए और उसमें हमारे जवान, उनके परिवार के स्टूडेंट्स, उन्होंने बढ़ चढ़ करके और अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ उसके अंदर रखी। बहुत ही मनभावक कार्यक्रम रहा और ये सबका हौसला बढ़ाने वाला था कि जहाँ पुलिसकर्मी हमेशा अपनी व्यस्तम ड्यूटियाँ करते रहते हैं, तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनका मनोरंजन हो। आज इस अवसर पर पूरी रेंज से हमारे ऐसे पुलिसकर्मी, ऐसे अधिकारीगण जिनके लंबे सेवा काल में उल्लेखनीय सेवाएं रही है, उत्कृष्ट उनकी एसीआर रही है, उल्लेखनीय उनके कार्य रहे हैं, उनको सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाता है। तो आज भी आप ये देखिए कि 105 पुलिसकर्मी अधिकारीगण को सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह, उत्तम सेवा चिन्हों से नवाजा गया। ये सेवा चिन्ह वर्दी पर धारण किए जाते हैं, हमारे विशेष अवसर के ऊपर धारण किए जाते हैं। इससे एक मैसेज जाता है कि इस पुलिसकर्मी ने, इस अधिकारी ने अपने सेवा काल में बेदाग सेवा काल, सेवा रिकॉर्ड रखा है, उल्लेखनीय सेवाएं दी है, तो उसको अलग से एक सम्मान की नज़र से फोर्सी नहीं, आम जनता भी देखती। कार्यक्रम के दौरान आईजी जयनारायण शेर ने रेंज स्तरीय पुलिस दिवस समारोह में जोधपुर रेंज के 105 पुलिस अधिकारियों व जवानों को सम्मानित किया। पुलिस की लंबी सेवा अवधि के दौरान उत्कृष्ट कार्य कर रहे उन सभी का हौसला अफजाई करने के लिए सर्वोत्तम व उत्तम व अति उत्तम सेवा मंडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि इस सम्मान से पुलिसकर्मियों ने कार्य के प्रति मनोबल बढ़ेगा और यह सम्मान मोटिवेशन का काम करेगा।